कर्नल साहब, अजीत जी क्लोज करेंगे तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या वाकई में डिफेंसिव है भारतीय जनता पार्टी? मतलब आप तो सीधे खुल करके बोले आपकी पार्टी डिफेंसिव है। ये समाज में चला गया है कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि संविधान ही बदलना चाहते हैं। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि रिजर्वेशन बदल, बाबा साहब अंबेडकर भी आएंगे तो नहीं बदल पाएंगे। हालांकि बाबा साहब अंबेडकर की मंशा थी कि 10 साल से ज्यादा रिजर्वेशन न रहे, ये उन्होंने कहा भी था, 10 साल के बाद इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने बांटो और राज करो की नीति से वो रिजर्वेशन बढ़ाते गए और आजकल रिलीजियस इसमें कन्वर्ट कर दिया रिजर्वेशन को। हमें देखिए, हमें जिनके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्वेशन बनाया था, सोचा था, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन करना है। और उनमें से भी जो बार 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 रिजर्वेशन का लाभ उठाते, उनको रोकना है। आप मुझे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। लालू यादव का बेटा रिजर्वेशन से ही चीफ मिनिस्टर बन जाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। भाई काहे, क्यों नहीं यादव का दूसरा छोटा गरीब आदमी को भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं? क्यों वे बार बार जो आईएएस ऑफिसर एक बार बन जाता है, एक बार लाभ उठाता है, क्या वही बार बार लाभ उठाता रहेगा? ये बदलाव की आवश्यकता है कि उनमें से जो गरीब आदमी है उनको लाभ मिलना चाहिए, न कि ये लाभ का कुछ वर्ग कोटरी ही उसका लाभ उठाए। ये संविधान में इस हिसाब से मेरा ये व्यक्तिगत राय है। पार्टी ने कहीं नहीं ऐसा कहा कि रिजर्वेशन में बदलाव करना, लेकिन यहां तक बदलाव करना चाहिए कि केवल गरीबों को उसके जाति में जो रिजर्वेशन अभी है उसी के लिए होना चाहिए, और एक बार जो लाभ उठाए वो बार बार वही लाभ न उठाए, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत सीमित है। यही मैं कहना चाहता हूं। अजीत जी, क्या ये मानना ठीक होगा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और पूरा संविधान उठा करके रख देगी, नया संविधान रख देगी? देखिए आशुतोष जी, अब मैं इस अपने डिबेटिंग पार्टनर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके ऑडियंस के लिए बोल रहा हूं, जिसमें बच्चे भी होंगे। जब नेशनल मूवमेंट चला तो उस समय सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना? तो जब संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जब चला, जो 3 साल चला, तो उसमें करीब करीब मैं कहूंगा 99% जो लोग थे या 98% जो लीगल लुमिनरीज आए थे, एक से एक एक्सपर्ट आए थे, वो ज्यादातर उसी मानसिकता के थे, कांग्रेस मोर और लेस मानसिकता के थे। उसमें ऑफ कोर्स दो तरह के बहुत बड़ा डिबेट चला था, उसमें बहुत सारा पोजीशंस था, पर बेसिकली दो तरह का पोजीशन था। एक था जो वामपंथी लोग थे उसमें, जैसे बाबा साहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद बहुत सारा मैं नाम दे सकता हूँ, हेल्थ मिनिस्टर जो लेडी थी जिसका नाम मेरे दिमाग से, राजकुमारी अमृत कौर, और भी बहुत सारे वामपंथी लोग थे। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद के.एम. मुंशी, सतीश जी ने नाम लिया, और भी बहुत सारे लोग थे उसमें। तो उसमें घनघोर डिबेट हुआ और हर इशू को लेकर डिबेट हुआ, और जो सतीश जी ने सही कहा, कमिटीज और सब कमिटीज बना, और हर इशू में पहले सब कमिटीज में डिबेट हुआ, फिर उसके बाद उसको कमिटीज में लाया गया, और फिर जनरल जो है उस पर डिबेट होके फाइनली वो पास हुआ। इनफैक्ट इस पर एक आर्टिकल मेरी पत्नी लिखी है, सतीश जी पढ़े होंगे, सेकुलरिज्म जो शब्द था उस पर बहुत भयानक डिबेट हुआ था, और कुछ कारण था उस समय, सतीश जी ने कहा, कुछ और भी कारण थे जो आज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में मैं नहीं देना चाहता, कभी और कहूंगा, क्यों उसको हटाया गया। इनफैक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यह भी स्टैंड था कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में, पर क्योंकि मुस्लिम लीग और पार्टीशन का इशू उस समय आ गया, तो उस प्रेशर में बाद में इसको चेंज किया गया,
अर्लियर पोजीशन था कि उनको दिया जाए, तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि उस जमाने में जो पार्टी था जिसको बाद में हम जनसंघ कहते हैं और या आरएसएस, वो पार्टिसिपेट नहीं किया नेशनल मूवमेंट में उस तरह से जिस तरह से कांग्रेस किया। वो कुछ कभी कभी कॉम्प्रोमाइज किया, कभी एंटी कांग्रेस स्टैंड ले लिया। तो अच्छा, उसी तरह से जो कम्युनिस्ट थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसमें पार्टिसिपेट किया, बट कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जो संविधान बना उसका जो रूपरेखा था, उसका जो एडिफिस था, वो कांग्रेस के फिलॉसफी से, गांधी के फिलॉसफी से, नेहरू के फिलॉसफी से, अंबेडकर के फिलॉसफी से, टैगोर के फिलॉसफी से, उससे वो गाइडेड हुआ। उसमें काफी ब्रॉड लाइन गाइडलाइंस दिया गया और उसमें काफी ओपन इश्यूज था, बट उसका स्पिरिट था सोशलिस्ट, उसका स्पिरिट था सेकुलर, और उसका स्पिरिट था कि जो याद रखिएगा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड का इशू कभी नहीं आया रिजर्वेशन में, आया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। मान लीजिए कोई बैकवर्ड क्लास है, मान लीजिए कि यादव्स हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, यादव को कोई आइसोलेट नहीं कर रहा हूं, उनके पास पैसे भी हैं तो वो एजुकेशन उस तरह से उनको एक्सेस नहीं मिला जैसे अपर कास्ट को। तो होल आइडिया ऑफ रिजर्वेशन वाज कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड है उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। उस समय ये डिबेट में ये इशू आया था कि 10 साल बाद शायद उस पर रिव्यू करेंगे, पर ये नहीं आया था कि हटा दिया जाएगा। और अंबेडकर का जो ये स्टेटमेंट था वो इसका फिलॉसफी बन गया कि जब तक हम हर सिटीजन को एक वोट देंगे और उसको जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो ये संविधान का तब ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज स्पिरिट है संविधान का इक्वालिटी, ठीक है। तो उसी लिए जो भी अमेंडमेंट हुआ, जैसे जैसे देश बदला, जो भी अमेंडमेंट हुआ इमरजेंसी के टाइम में भी, वो सारा इसी फिलॉसफी के अंतर्गत हुआ। एक इशू आया था के टाइम में, जो फेमस गोलखनाथ केस और केशवानंदन भारती केस आया था कि फंडामेंटल राइट को हटा के उसके कुछ क्लॉजेस को चेंज कर दिया गया था। खैर बाद में उसको भी दोबारा चेंज कर दिया गया, पर ब्रॉडली जितना अमेंडमेंट हुआ है वो भारतीय संविधान के रूपरेखा कांग्रेस के फिलॉसफी के अनुसार ही हुआ। जब भाजपा वाजपेयी के टाइम में जब भाजपा पावर में आई तो भाजपा का तो फिलॉसफी बहुत अलग है ना। वो तो मानती है सिविलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नहीं। वो नहीं मानती है कि मॉडर्न इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो इंपॉर्टेंट है। वो एक प्रिस्टीन ग्लोरी की बात करती है 9000 साल पहले। तो वो चाहती थी कि संविधान को बदलें। जो मनिंद्र जी ने कहा सही कहा कि एक अल्टरनेटिव उनके पास था जिसका चर्चा वाजपेयी जी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी सरकार नहीं था। जब मोदी जी आए तो वो कोशिश किए आर्टिकल 370 बदले, या हमेशा रिजर्वेशन को वो हटाना चाह रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन। ये सारा जो है ना ये हिट करता है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी बदले। तो उसी लिए ये जो मोदी जी का इंटेंशन था कि अब की बार 400 पार, कि भाई 400 के ऊपर आएगा और वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे, तो अभी खाली 13 राज्य में है कांग्रेस के तरह, जैसे कांग्रेस 52 से लेकर 67 तक करीब करीब देश के सारे राज्यों में था। तो वही वो चाह रहे थे कि वैसा मेजॉरिटी आएगा तो संविधान को ही देकर बदल देंगे। अब जब ये इश्यू फिल्टर करता है पब्लिक के पास, जो गरीब लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, और मान लीजिए जो माइनॉरिटीज हैं, उनको लगता है कि बाप रे बाप, ये संविधान तो हमको प्रोटेक्ट करता है, हमको रिजर्वेशन देता है, ये जब बदल देंगे तो हमारा रिजर्वेशन चला जाएगा।
तो जब ये इश्यू हिट किया है, मंडल फोर्सेस जो है कमंडल को चैलेंज किया है इस चुनाव में, और राहुल गांधी कूद पड़े हैं और बड़ा इंटेलिजेंटली इसको डील कर रहे हैं, तो डर गया है भाजपा, बैकफुट पर आ गया है। और तभी जो है मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि अंबेडकर जी भी आएंगे तो नहीं बदलेंगे, बट इंटेंशन क्लियरली भाजपा का वही है कि संविधान को बदलिए, रिजर्वेशन एंड कीजिए, हिंदू राज बनाइए। तो ये मैं ऑडियंस के लिए, ठीक है आप सही बोल रहे हैं आप, लेकिन अब ये जो नियत है, अब उसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बेटर और बड़े डायलॉग के लिए आए, डायलॉग करने के बाद अमेंड करें, क्या करेंगे वो तो देखना है, लेकिन ये भ्रम फैला देना कि वो प्रिस्टीन ग्लोरी और 9000 और 22000 वर्ष पुराने इतिहास को लेकर के उसी को एस्टैब्लिश करेगी, ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये ज्यादती हो जाएगी, कि यही थोप देना। बहुत सारी ऐसी बातें भी हो रही हैं जो ऐसा नहीं है, अभी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि एयरपोर्ट आपका चमक रहा है, वंदे भारत ट्रेन आ रहे हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन, संविधान से कोई मतलब नहीं ना है, उसको संविधान से क्या मतलब, टेक्नोलॉजी को आपको प्रयोग करें तो प्रिस्टीन ग्लोरी पर लेके चले जा रहे हैं आप। अरे भाई, प्रिस्टीन ग्लोरी को तो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो कल्चर को कर रहे हैं, ठीक है, बात हो रही है, उनकी आइडियोलॉजी में दम होगा और जनता उनकी आइडियोलॉजी को बाय करेगी तो अजीत झा, आशुतोष पाठक या सतीश जी या मनिंदर जी के कहने से नहीं चलेगा। जनता के बीच में दोनों पार्टी है ना, वो तय कर लेगी कि भाई प्रिस्टीन ग्लोरी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, नया संविधान बनाना चाहते हैं। तो दोनों का ये पॉलिटिकल वॉर चल रहा है। हमारा ये कहने का मतलब है कि दोनों अपने विचार के साथ राजनीतिक मैदान में उतरे हुए हैं, 4 जून को पता चल जाएगा। तो 4 जून, लेकिन 4 जून को यदि ये हो कि 250 सीट भाजपा को आए, तब तो नहीं ना बदल पाएगी संविधान को, 400 जब पार होगा तभी ना। तो वही हम आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाजपा का सरकार शायद आएगा, पर शायद 250 के नजदीक रहेगा, 400 के नजदीक नहीं रहेगा, यही तो हम कह रहे हैं। हम ये कभी नहीं कह रहे कि मोदी जी वापस, तो कहने का मतलब है कि अगर 250 आया तो संविधान नहीं बदलेगा, और अगर 400 के पार आ गया या 400 के आसपास आ गया तो संविधान बदल जाएगा, है ना। किसने बदला अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। देखिए ये कितने बहुत इंटेलिजेंटली इन्होंने क्या किया, पूरे 1 घंटा 20 मिनट हमको उलझाए रखा। मैं बार बार चाहता था कि जो अतीत में जो कुकृत्य हुआ है उसके ऊपर फोकस किया जाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, किरोड़ी लाल मीना को ला करके फिर एक बात ला करके कर दिया। तो मैं तो आज मानता हूं कि इन्होंने आज जो है सो अपनी चला ली। कर्नल साहब क्या बोल रहे हैं, बोल दीजिए जल्दी से। मैंने कहा विपक्ष और विपक्ष का जो इकोसिस्टम है ये ऐसा ही लोगों को गुमराह करते हैं और हवा बनाते हैं विपक्ष के प्रति। कितने बार मिसाइल तो और रॉकेट फेल हो गया राहुल गांधी का, गाड़ी भी उनकी नहीं चल पा रही है, ये सब जानते हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि 250 सीट, अरे 350 के नीचे तो बीजेपी को ही नहीं आएगी, 350 बीजेपी को आएगी, मैं दावे से कहता हूं। इंटरेस्टिंग है, एस्ट्रोलॉजर है, हम नहीं है एस्ट्रोलॉजर। सतीश जी, इको सिस्टम में है, आप भी बोल दीजिए। वो आदमी जो सेक्सुअल टेप्स जिसके पास से मतलब कितना मिला है, 250 सिस्टम देखिए एकदम से बलवती हो गए कर्नल साहब, देखिए इको सिस्टम का सजा मिलनी चाहिए, बीजेपी का यही कहना है, भाषण दे रहे थे और वो पार्टी, बीजेपी का क्या कहना है साहब, और जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री उनके साथ भाषण क्यों दे रहे थे, और बीजेपी और बीजेपी का ही जो नेता है कर्नाटक का, एक तरह से बीजेपी के बीजेपी के कर्नाटक का जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उनका स्टेटमेंट आया है जो उन्होंने लिखा था चिट्ठी, वही मैं भी कह रहा था, जिन पे है ये वीडियो दिसंबर में, दिसंबर में आप मत कीजिए, टिकट मत दीजिए, लेकिन फिर भी भोकालिंगा के वोट के लिए जेडीएस से अलायंस किया गया,
और पूरे परिवार तो एक लाइन से सतीश जी मैं कांग्रेस का गिनाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ही नहीं डिबेट है, इंटेलेक्चुअल डिबेट है। वो तो मैं किस बात से ही नहीं, प्रधानमंत्री उनके साथ भाषण बीजेपी गिनाता ही है ना, कांग्रेस गिनाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इस पर तो बीजेपी को अपना अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए बीजेपी को। ये बात सही है कि वहां के स्टेट प्रेसिडेंट ने खत लिखा था कि भाई ऐसे व्यक्ति के साथ आप अलायंस में जा रहे हैं या इसको आप कैंडिडेट बना रहे हैं, कम से कम बोलिए अपने पार्टनर को और उसको कैंडिडेट ना बनाए। हालांकि जेडीएस ने भी शायद कुछ एक्शन लिया है, लेट अस सी क्या होता है। ये बात सही है। उसके बाद वो फॉरेन भाग गया, जर्मनी भाग गया, नहीं था जेडीएस का था तो जेडीएस पार्टनर पे कैसे कंट्रोल करेगा। अभी उसी हिसाब से आप देखिए ममता बनर्जी का वो जो पकड़ा गया है आतंकवादी, वो जो इतना नहीं, इसमें कोई दूध से कोई धुले हुए नहीं है। अभी ये पकड़ा गए हैं तो इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के भी कोई धुले हुए लोग नहीं है, वो भी कई कितने स्कैंडल आए हैं, अब उसका यहाँ पर लिस्ट थोड़ी निकालेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, ये आर्गुमेंट ठीक था कि अगर बहुमत आ जाती है भारतीय जनता पार्टी को तो संविधान में अमेंडमेंट वगैरह कुछ हो सकते हैं। लेकिन जैसा डरा रहे हैं अजीत जी, मनिंदर जी, कि एक नया संविधान लिख करके रखे हुए हैं और चुपके से रख देंगे वो, अमेंडमेंट के लिए आपको 400 सीट थोड़े चाहिए, अमेंडमेंट के लिए 400 सीट नहीं ना चाहिए, 400 सीट चाहिए बेसिक फ्रेमवर्क को बदलने के लिए। तो इंटेंशन मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैंने नहीं देखा है भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जिसमें यह लिखा हो कि हम नया संविधान बनाएंगे, मैंने नहीं देखा है। लेकिन आप लोग प्रचारित कर रहे हैं कि बीजेपी नया संविधान लाएगी, बेसिक फ्रेमवर्क कर रहे हैं, वो मुझे नहीं मालूम। ये ज्यादती होगी किसी पार्टी के लिए, जो ऑन द रिकॉर्ड जो है, जैसे मान लीजिए 370 ऑन द रिकॉर्ड था, राम मंदिर ऑन द रिकॉर्ड था, आर्टिकल यूसीसी ऑन द रिकॉर्ड है, अब तीन तलाक ऑन द रिकॉर्ड था, तो इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है उसको, उसके बारे में भ्रम फैलाना कि ये संविधान बदलने जा रहे हैं, नया संविधान ला रहे हैं, हमको लगता है कि ज्यादती होगी एक पार्टी को लेकर के। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन मुझे बैलेंस्ड ओपिनियन तो रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत झा जी, सतीश जी, प्रोफेसर मनिंद्र ठाकुर और कर्नल विजयनाथ झा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी डिबेट रही और हम समझते हैं कि हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। और देखना यह है कि संविधान किसने बदला है, कौन बदलने की तैयारी कर रहा है, ये अब 4 जून के बाद पता चलेगा। हालांकि पिछले 10 वर्ष में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि संविधान बदल दिया, रिजर्वेशन खत्म हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए ये भ्रांति फैलाना भी अनुचित होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक सीरियस दबाव तो है और इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है। रिजर्वेशन का मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा है और बीजेपी उसको लेकर बैकफुट पर है। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब अपोजिशन एजेंडा सेट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उस एजेंडे पे आकर के बैटिंग करनी पड़ रही है। मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, 4 जून तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा, तब तक तो हम लोग डिबेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष कन्वत दीजिए, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।